गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। देखिए हमारा क्या था, इसमें हम पढ़ रहे थे ना पार्ट वन। क्या था पार्ट वन? और नाम था इसका समय। क्या था? यही पढ़ रहे थे और यही मैं आपको पूरा पढ़ के क्लियर करते हैं। अब तो मैंने ठीक ठीक ज्ञान होता है यहां तक पढ़ाया था। क्या था? इसी समय को मनुष्य ने घड़ी नामक यंत्र में दिखाया है, जिससे हमें समय का ठीक ठीक ज्ञान होता है। यहाँ तक हो गया था। अब तो यह मनुष्य के हाथ में है कि समय का पालन वह किस प्रकार करता है। वास्तव में समय प्रत्येक मनुष्य का अपना साधन है। समय जिसे ना कोई छीन सकता है ना कोई चुरा सकता है। किसी भी बहुमूल्य वस्तु से समय खरीदा नहीं जा सकता। समय का कोई भी मनुष्य बढ़ा या घटा नहीं सकता। समय के प्रति असावधान व्यक्ति सदा पछताता है। जो समय की परवाह नहीं करता, जिसको समय का वो नहीं होता, तो वो हमेशा पछतावे में ही रहता है। प्रत्येक सच यह है कि क्या है सच? प्रत्येक काम समय पर करने से शुभ और आनंद मिलता है। कभी करके देखिएगा, आपको रियलाइज होगा। ईश्वर भी ऐसे लोगों की सहायता करता है जो समय का महत्व पहचानते हैं। ऐसे मनुष्य भविष्य में उन्नति और सफलता प्राप्त करते हैं। उन मनुष्य का जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। फिर देखिए क्या बन जाता है। जो टाइम के पंचुअल होते हैं, हर काम समय से करते हैं, तो उन मनुष्यों का जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। कक्षा में बच्चों को समय के महत्व के बारे में बताएं और समझाएं कि समय से हर काम शोभा देता है, जैसे समय से उठना, समय से पढ़ना, लिखना आदि। तो क्या कहना है टीचर का? आप जब स्कूल आओगे तो मैं आपको समझा दूंगी कि भाई समय से कैसे क्या करना चाहिए। पहली बात तो जब हमें सुबह मॉर्निंग में सुबह टाइम जो हमारा एक इक्वल होता है, उसी टाइम से हमें उठ जाना चाहिए, यानी बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करना है, अपना उठो, फ्रेश व्रेश हो, फेस व्रेस करो। और उसके बाद में अभी आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन चली रही है, जब ऑनलाइन तो अपनी फिर भी जल्दी उठना चाहिए, डेली जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठने के बाद में अपना काम प्रॉपर वे में करना चाहिए। अपनी डेली और रेगुलर क्रियाएं होती हैं वो सब करा के फ्री हो जाना चाहिए। और फिर अपना पढ़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फिर हमें पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना चाहिए। जो हम पढ़ते हैं डेली घर पर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। सुबह मॉर्निंग में एक डेढ़ घंटा पढ़ो, एक डेढ़ या दो घंटे पढ़ो, और फिर शाम को फिर दो घंटे आप पढ़ो। तो उससे क्या है, हमें रिवीजन हमारा रहेगा और हम भूलेंगे नहीं। आप बुक्स ले लो, परचेज कर लो, कहीं से भी शॉप से लो, शॉप से स्कूल से ले लो। आपके छोटे बच्चों की तो स्कूल से ही मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। अगर कोई आपके आस पड़ोस हो सेकेंड क्लास के, तो उनसे परचेज कर लो, ऐसे कर लो, है ना। तो बुक वगैरह ले लीजिए। तो अभी ये क्या है, हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। आज इसमें हम कराएंगे शब्दार्थ, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो जब शब्दार्थ हो जाते हैं तो हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो ये मुझे पहले ही आपको कराते भी चाहिए थे शब्दार्थ, लेट नहीं कराना चाहिए था। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं शब्दार्थ में आपको करा देते हैं थोड़े से। इसको
व्यर्थ बेकार विश्राम आराम वास्तव सचमुच सचमुच बहुमूल कीमती महत्व महत्ता भविष्य सब ये देखिए आप, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो पाबंद क्या, सबसे फर्स्ट वाला देखिए, पाबंद यानी अनुशासन यानी डिसिप्लिन, क्या होता है डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहना चाहिए। सब कहते हैं ना स्कूल हो या घर हो, अनुशासन बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर काम अनुशासन में होना चाहिए। मूल्य यानी कीमत यानी कॉस्ट, क्या कॉस्ट है इसकी। हम लोग मार्केट में जाते हैं पूछते हैं ना क्या कॉस्ट है इसकी, कभी कोई साड़ी देखने जाते हैं या कभी कुछ लेने जाते हैं या कोई चीज और परचेजिंग करने जाते हैं तो पूछते हैं क्या कॉस्ट है वैसा इसकी। इस तरीके से अनंत यानी अपार, अपार के मतलब क्या होता है, बहुत सारा इन ग्रेस यानी बीत गया पास्ट, जो हमारा बीत चुका वो वापस नहीं आएगा, हम चाह के भी नहीं इसको वापस लेके आ सकते, ठीक है। और व्यर्थ होता है यानी बेकार वेस्ट, वो वेस्ट हो गया अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। विश्राम आराम यानी कि रेस्ट, क्या करना है अपने को रेस्ट करना है। वास्तव में सचमुच यानी ट्रेवलिंग, बहुमूल्य होता है कीमती कॉस्टली यानी बहुत कीमती, डायमंड वगैरह जो होते हैं ना वो सब चीजें। और महत्ता होता है इम्पोर्टेंस, महत्ता होती है किसी की इम्पोर्टेंस कितनी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। भविष्य आने वाला समय, आने वाला समय जो अब आएगा वो उसके बारे में। तो ये आप लोग क्या करेंगे इसको, ये आपको एच डब्ल्यू अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा इसको, क्योंकि जब भी आप स्कूल आएंगे तभी आपसे पूछा जाएगा कि आपने ऑनलाइन क्लासेस का वर्क किया या नहीं किया। नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगर वर्क नहीं करोगे तो फिर आप किस कमीशन को गया क्यों, ठीक है ना। इसलिए
देख लीजिएगा, इसको जूम कर करके आपको करना है। अब इसलिए ये क्वेश्चन आंसर है, इनको मैं आपको कल करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपके कल होंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, अभी आपको मैं बता देती हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। सूरज और चंद्र सदा समय से सदा कैसे आते और जाते हैं? सूरज और चंदा दोनों सदा समय से आते और जाते हैं, ठीक है। प्रतिदिन दुनिया का एक चक्कर कौन लगाता है? प्रतिदिन दुनिया का एक चक्कर सूरज और चांद दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं। एक मिनट, प्रतिदिन सूरज और चांद दोनों दुनिया का एक चक्कर प्रतिदिन लगाते हैं, ठीक है। समय का मूल्य हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक काम हमें समय से करने पर हमें बहुत अपार खुशी मिलती है। जीवन में क्या व्यतीत होता रहता है? जीवन में वर्ष के बाद वर्ष व्यतीत होते रहते हैं, ठीक है। फिर इसके पीछे देखिए, समय में कौन कौन आता और जाता है? सूरज और चांद तारे दोनों सही है, यानी दोनों ही सही है, दोनों ही समय से आते हैं और समय से जाते हैं। बीता समय कभी नहीं आता, वापस व्यर्थ या व्यतीत, बीता समय कभी वापस नहीं आता है। रात का समय ईश्वर ने किस लिए बनाया है? रात का समय ईश्वर ने विश्राम के लिए बनाया है, तो विश्राम पर टिक कर लीजिएगा। किस लिए बनाया है? विश्राम के लिए बनाया है। प्रत्येक काम समय पर करने से मिलता है क्या? सुख आनंद दोनों ही सही है, यानी प्रत्येक काम जब प्रत्येक काम समय से होता है तो उसमें सुख और आनंद की अनुभूति होती है। क्या होती है? सुख और आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा, अभी से बहुत सारे दे रखे हैं। देखिए, निम्न शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखे, सूर्य का, धरती का, आकाश का, चांद का, पक्षी का। जैसे कि धरती, धारा, भूमि, पृथ्वी, सूर्य, सूरज, रवि, भानु, इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।